बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मसाला कलेजी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और एक छोटे साइज़ का तकरीबन प्याज मैंने स्लाइसेस में काट लिया। इसको पहले फ्राई करते हैं, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं मिलती हूँ। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन सा हो जाए, तो इसको हमने निकाल लेना है, क्योंकि अगर हमने ज़रा सी भी देर करी तो ज़्यादा जल जाएगा। तो इसको निकालना शुरू कर दें। इसी ऑयल में हमने डेढ़ खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। ये कलेजी देख रहे हैं आप, लाजमी बात है कैमरे के आगे की है तो देख ही रहे हैं। तो ये मैंने धोने का तरीका आपको बताया हुआ है इसी चैनल पे, अब आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि मैंने कैसे धोई। देखिए कितनी ज़बरदस्त है, कोई ब्लड नहीं, कोई नहीं। तो इसको जो है ना हमने लहसुन अदरक के साथ ही डाल देना। और इसको भूनते हैं ना, कलेजी मैंने आधा किलो लिए, अच्छी तरह इसको भूनते हैं। तकरीबन 5-7 मिनट इसको भूनते हैं कलेजी को, जब तक मैं ये प्याज को ना पीस कर और इस दही में, ये दही है आधा कप, इस दही में मिलाकर लेकर आती हूँ। ठीक है, तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें सारा इसका जो है ना छान वान सब खत्म हो गई है, अब सिर्फ ऑयल रह गया है। अब हमने इसमें क्या करना है, प्याज और दही, प्याज को मैंने पीस लिया और उसको आधा कप दही में डाल के ना इसको मुलायम सा पेस्ट बना लिया, इसको डाल दें इसमें। आप कहते होंगे अभी तक मसाला नहीं डाला आपने, आज हम मसाला जो है वो बाज़ार का इस्तेमाल करेंगे। और ये पैकेट मसाला है, और कई लोगों को पैकेट मसाला यूज़ करना नहीं आता, जो अगर कंपनियां हैं उनके ऊपर तो लिखा होता है कि किस तरह इस्तेमाल करना है, लेकिन ये हमने कंपनी का नहीं लिया। यहाँ पे बहुत अच्छी दुकान है तो वो खुला मसाले देते हैं, और उनके मसालों में इतना ज़ायका है माशाल्लाह से कि आपको भी, जैसे खुले मसाले कई लोग पसंद करते हैं लेना, तो उनको ये पता होगा कि इस तरह मसाले की जो रेसिपी है ना, ये मसाला किस तरह यूज़ करना है कलेजी में या किसी भी चीज़ में, तो वो बता देते हैं। तो अभी ये जो मसाला कलेजी हम बना रहे हैं ना, तो अभी हम वो मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि चूँकि उसमें नमक है इसलिए इसको ये पकने दें, 5-10 मिनट इसको पकने दें। लास्ट में जब 5 मिनट रह जाएंगे ना, जब हम मसाला डालेंगे, क्योंकि नमक से हो जाती है हार्ड, तो अब हम इसको ढक देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, स्लो फ्लेम पर इसको पकाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। ये मैंने चेक किए, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त ये कलेजी गल चुकी है। और इसको अब हमने, ये मसाला है कलेजी मसाला, ये इसमें डाल देते हैं। अब इसमें डालने के बाद हम इसको तकरीबन 5-7 मिनट हम पकाएंगे। ठीक है, आप कोई भी मसाला ले सकते हैं, पैकेट का मसाला। लोगों की आसानी के लिए ना मैंने ये तरीका बताया, क्योंकि कई लोग पैकेट ले तो आ जाते हैं लेकिन उसका तरीका पकाने का, हाँ ठीक है, जो कंपनी वालों में तो तरीकाकार लिखा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो जो खुले मसाले मिलते उसका तरीका जो है ना, वो बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि ये किस तरह बनानी है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये इस तरह बनानी है। ठीक है, अब इसको हमने तकरीबन पूरी कवर कर दें, इसको फ्लेम आपने स्लो रखना है और 5-7 मिनट आपने इसको दम पे पकाना है। मेरा दिल चाह रहा है मैं थोड़ा सा ना इसमें पानी डाल दूँ, अगर आप इसी तरह पकाना चाहते हैं तो इसी तरह पका लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा ना पानी डालने का बड़ा शौक़ आ रहा था मुझे, तो उसमें मुझे कह रही वैसे ही थोड़ा डालना है, मैं वैसे ही थोड़ा पाना सी, असल में फिर उसकी तरी जो है ना निकल के आएगी, वरना थल्ले दाबर इसी तरी है ना। ये देखें इस तरह ना, ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त मसाला कलेजी तैयार हो गई है। अब इसमें हमने हरी मिर्चें डाल देनी है, आप चाहे तो हरा धनिया भी डाल दीजिएगा। तकरीबन 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट के इसको डाल दी हैं। अब इसका चूल्हा बंद कर दें, ये तैयार है मसाला कलेजी, ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं करीब से कितनी ज़बरदस्त, एक तो इसके साइज़ छोटा मैंने किया, उसको धोया अपने उस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको रेसिपी दी हुई है कि धोना किस तरह है, तो वो भी आप रेसिपी, वो भी आप टोटका देख सकते हैं इसी चैनल पर। और धोने का तरीका बड़ी ज़बरदस्त, और छोटी छोटी साइज़ की इसको मैंने क्या किया कि उन्होंने पंजाबी ज़्यादा कि मैं प्याज फ्राई किया सी थोड़ा सारा ना, बिल्कुल एक मीडियम साइज़ का सी, उन्होंने तेल से फ्राई करके काट लिया, फिर उन्होंने पीस लिया, फिर उस दही पा के ना आधा कप तो उन्होंने
पेस्ट जहाँ बना लिया सी। तो लहसुन अदरक पा के बड़ी भुनी है, 10 मिनट तक तकरीबन छान खत्म की है। फिर उस तो बाद दही मसाला पा के पकाई है, सारी चंगी तरह गल गई ना, फिर आखिरी चो पैकेट मसाला पा लिया सी। तो पैकेट मसाला सी तकरीबन 5 ग्राम, ठीक है, 1 किलो का होंगे वे 50 ग्राम, तो अद्धा किलो का होंगे 5 ग्राम। तो 5 ग्राम में मसाला पाया, तो ट्राई करके मैं दसना तुम्हें कैसी लगी, क्योंकि अक्सर लोगों को मसाले वाली कलेजी बनानी नहीं आती, या अपने घर मसाले जो ने उन्होंने जायका नहीं आता। तो तुम अगर पैकेट मसाले वाला बनाना चाहते हो तो तुम बना सकते हो। तो रैसिपी ट्राई करके मैं दसना तुम्हें रैसिपी कैसी लगी, अपनी तो याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।